जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो। उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे सब्जी, आप ठट्ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, है बिस्कुट खा लो, चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावे गुटकी गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो, तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है अनदान बालक तो कुछ भी कर दे, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब हो जाता है। तो हमने अपने से आद्य क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा आपके। एक बुढ़िया अपनी पुत्र वधू के साथ घनी लड़ा करती, निरिकली आ रही थी, और उनका उसका पुत्र आज्ञाकारी था। वो आते गंदी तेरी बहू जो कर रहा है, तेरी बहू ऐसे कर रहा है, वो आते उस बहू ने अपनी पत्नी ने गढ़ता, वह बेचारी अपना टाइम पास करी। एक दिन क्या हुआ कि कोई बहन सत्संग में जाया करती थी, और उस बुढ़िया तो बोली अपनी सहेली तो, यानी बुढ़िया वह थी बुजुर्ग वो थी, कि चल सत्संग में चलेंगे, थोड़ा सारे दिन बहू गए लड़े जा है, तेरा भी मन और सा हो जाएगा। तो वह भी चली गई, चली गई, उन्होंने ज्ञान सुन लिया, अच्छी आत्मा थी, सत्संग का असर हो जाता है, उसने अपना नाम ले लिया। दो चार सत्संग सुने तो गुड़िया में बहुत फर्क पड़ गया, परिवर्तन हुआ। एक दिन वो पुत्र वधू उसकी दूध काट के भैंस का 5-6 किलो दूध, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा लट, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ उसमें बाल्टी टांग दिया करते बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए दूध की, तो उसने वो प्रतिदिन टांगती थी ऐसे ऊंचे हाथ करके नो टांगना होता था। तो आ दूध काट के ले आई पुत्र वधू, और उधर से वो उसका ध्यान दूसरी साइड हो गया, और वो नो करके एक बार तो नो कर लिया, अभ्यास सा था उसका मड़ा है, नो करके नो किया, वो उल्टी साइड तो लग गया, और वो टंग्या को नहीं, उसने सोचा टंग्या छोड़ दिया, वो छोड़ते बाल्टी नीचे गिर गई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वह पुत्र वधू उस एटम बम का नहीं देखा बुढ़िया की तरफ, अगिया बिरानी के सुनाओगी। तो अब बुढ़िया बोली बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे बाग में ना था, इसने ठा ले, इसको ऊपर ऊपर से साफ करके और भैंस के चारे में डाल दे, कोई बात ना, ये तो अपने बाग में ना था बेटी। अब पुत्र वधू सुन होगी कि आज इस तोब के तोब में तो गोले ना लिख ले, यद बहुत मीठी बाणी बोली, ये कौन सा स्टेशन पकड़गी बुढ़ी आज या। तो उसने आके अपनी सास के चरणों में शीश रख दिया और कहने लगी माता जी मेरे से भूल से होगी, मैंने जान के नहीं, अब बेटी मन मुझे पता है, ये तो होना था, दूध तो जाए लिया, ये लड़ाई शेष थी, ना दूध आवे बेटी, चाहे मैं लड़ लू चाहे ना लड़ लू। बुढ़िया ने उस पुत्र वधू ने सोचा या तो बोला तो ठीक से कदे वैसे कह रही हो, पहले तो उसने नहीं सोचा था कहीं या वैसे ही कह रही है छो मैं, और फिर उसने नहीं सोचा भी पक्का बेरा बुढ़िया का जो पटेगा इसका बेटा आवेगा सामने। अब सामने वो लड़का आया, बुढ़िया ने कोई जिक्र नहीं करा, कत्ती भी कह का भी, वो खाना खाकर अपने जाके पड़के सो गया, कोई जिक्र नहीं करा। तो वो बहू का भी असर हो गया उस बेटी का भी, अपनी माँ के खूब सेवा करे, हैं खूब लत्ते धोवे, यानी पहले तो वो अकड़ी रही थी दोनों, दो बुढ़िया सुनावे बहू ना बोले तो वो काली जरूर मानने थी, पोंगी तेरे पूड़े। तो ऐसे जो आधा दुख था हम आप पैदा कर ले, कोई भी हानि होनी से वह होगी, वह तो उन तरह ही वापस ना कोई करके राजी वैसे हो जाती है, तो फिर उस बात ने बतंगड़ बना लेंगे, यू काल बनवाता है। अभी 1-2 महीने पहले एक माई आई,
वह कहने लगे जी मारी टोम लकड़गी, यानी गहने आभूषण रखे थे एक डब्बे में बंद और ताला लाग रहा, टोम ना पाई। मैं बोला बहन बात सुन ले, आप किसी का नाम मत लेना घर में, किसी पर शक ना करिए, जब तो वचन पर डटेगी ये टोम कितना नहीं जा अपने आप आ जाए तेरी। बोले जी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बेटिया तो खाम का मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था इस दास ने कि वो जात अली वो तो दो चोरी होनी थी ओली, अब यो एक दूसरे पर शक करके दुश्मन और बन जाएंगी, एक कड़ा और काल शुरू करवा देगा। लेकिन उस बेबे ने इस दास के वचन का पालन किया। बोले जी कत्ती जकर नहीं किया और उस पुत्र बद से भी कह दिया बेटी कोई बात ना, महाराज जी का आदेश है किसी पर शक नहीं करना है ना किसी का नाम लेना, मारी होंगी तो आ जाएंगे। अब 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात थी, अब चौथा दिन पांचवा दिन उस दिन आई वह पुत्र वधु और वह पत्नी वह बहन। न्यो बोली जी वह न्यो की न्यो पागी टोम 2 ताड़ियां के भीतर और इस बहुए का हाथ लगी, या भाजी आई कि मां देख टोम न्यो की न्यो दरी इसमें और वो डब्बा न्यो का न्यो उन ताड़ियां के भीतर है, कल बताव रो में चौथा पांचवा दिन आकर। तो पुण्यात्माओं इस युग काल चाव है कि इनके रोज जूत बाजे, किसी भी कारण से पिता पुत्र की भाई बहन की और आपस में पति पत्नी की सास बहू की इन्होंने तो, और फिर आपस में फिर समाज की, इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जाए, भगवान का नहीं सोचे नहीं, अपने ही खड्डे में आप पड़े रहे, और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़कर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे तब कल्याण होगा। अब क्या बताते हैं पति बिलन की यानी सतलोक के मालिक कबीर परमात्मा के पाने की आपको विधि बताते हैं। सुन आत्मा चतला कह और सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु मिचोला बना कह, आप जी की सगाई करवा दी इस दास ने सत्यपुरुष से सभी की, और सगाई होगी तो ब्याह भी होगा और ब्याह होगा तो पति के घर भी जावांगे, और जिनका कितने सगाई ना कुछ सलसलाए नहीं है वो तो कंवारी हैं तो वो जाएंगी, क्योंकि वो तो यहीं रह जाएंगी अभी यहीं रहेंगी। हाँ लेकिन जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो, उनकी पत्नी आती है आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे सब आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ है बिस्कुट खा लो चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावे गुटकी गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो, तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है अनदान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने इस आद्य क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा आपके,